पे शपथ पत्र पर हम टिक लगा देंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो शपथ पत्र पर हम टिक लगा दिए हैं और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक कर गेट ओटीपी पर क्लिक करने से पहले अपने कीबोर्ड में टाइप कीजिए, कंट्रोल को दबाए रखिएगा और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। इससे दोस्तों फायदा ये होगा कि आपके मोबाइल में जो ओटीपी आएगा, जैसे कि हमारे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है और यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सामने ये दूसरा पेज ओपन हो चुका है और हमारे मोबाइल में जो ओटीपी आया है वो यहाँ पे हम डाल देंगे और यहाँ वैलिडेट एंड अप्लाई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और मान लीजिए आप गेट ओटीपी पर क्लिक किया, आपके सामने ये पेज ओपन हो गया और आपके मोबाइल में ओटीपी नहीं आया, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, फिर से आपको बैक आना है अपने पिछले पेज पे और फिर से यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि हमने गेट ओटीपी पर क्लिक किया है और हमारा यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पे हमें ओटीपी डालने का ऑप्शन भी दे चुका है, परंतु मान लेते हैं कि हमारे मोबाइल में ओटीपी नहीं आया है और दोबारा ओटीपी हमें कैसे मंगाना है। तो या तो हम यहाँ पे गेट ओटीपी पर फिर से क्लिक कर सकते हैं या फिर हम पीछे आएंगे और यहाँ पे फिर से हम कंट्रोल बटन दबाएंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और देखेंगे आपके सामने फिर से वो पेज ओपन होगा। तो देख रहे हैं हमारे सामने फिर से ये पेज ओपन हो चुका है और हमारे मोबाइल में दोबारा से मैसेज आ चुका है और हमारे सामने पहले से ही एक और पेज ओपन था। मान लेते हैं इस बार भी हमारे पास ओटीपी नहीं आया है, हम फिर से ओटीपी मंगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उससे पहले कंट्रोल बटन को दबा के तब गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे अब की बार तीसरे बार हमारे मोबाइल में ओटीपी आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारे सामने ये तीसरा बार जो है ओटीपी आ चुका है। इस प्रकार फ्रेंड्स आप चाहे जितना बार ओटीपी मंगाना चाहते हैं उतना बार ओटीपी मंगा सकते हैं। हमने तो तीन बार ओटीपी मंगा लिया। अब फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि हमारा लास्ट ओटीपी आया है 6187, तो हम यहाँ पे 6187 यहाँ पे इंटर करेंगे 6187 और यहाँ पे वैलिडेट एंड अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको कंट्रोल बटन दबा लेना है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा ओटीपी सक्सेसफुली हुआ या फिर नहीं। तो हमारा ओटीपी सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। और फ्रेंड जैसे ही आपका पैसा कट जाएगा आपका रिसीविंग डाउनलोड करने के लिए यहाँ ऑप्शन आ जाएगा और आपके मोबाइल में एक मैसेज भी आ जाता है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे पीएम किसान प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके इसका रिसीविंग को प्रिंट आउट कर लेना होगा।